हेलो एवरीवन, मैं हूं राज चौहान और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेसबुक लॉगिन एरर के बारे में। अनएक्सपेक्टेड एरर हैज एक्यूरेट, प्लीज़ ट्राई लॉगिन इन अगेन। आपको बता दूं कि ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को देखने को मिली है, तो कुछ लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, किसी की नहीं हुई है। तो आज की वीडियो में ना तो मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आप जो है फेसबुक का जो डेटा एंड कैसे फाइल उसे डिलीट कर दीजिए या फिर उसे अपडेट कर देना है। बहुत सारे लोगों ने ये किया, उसके बाद भी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। अगर आप जो उसको अपडेट भी कर चुके हैं, उसका डेटा एंड कैसे फाइल भी डिलीट कर चुके हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना होता है। आप करते क्या है कि वीडियो को आप पूरा देखते नहीं है, फिर आप कमेंट में बोलते हैं मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। तो रिक्वेस्ट है, 2-3 मिनट की वीडियो होगी तो प्लीज़ लास्ट तक देख लीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फेसबुक में लॉगिन करते टाइम जो आपको एरर आपको देखने को मिलता है, अनएक्सपेक्टेड एरर हैज एक्यूरेट, प्लीज़ ट्राई लॉगिंग इन अगेन, उसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, सेटिंग को ओपन कीजिए। सेटिंग को ओपन करने के बाद जाना होता है आपको मोर सेटिंग में, ऐप या एप्लीकेशन से आपको ऑप्शन मिल सकता है, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको फाइंड करना होता है गूगल प्ले सर्विस, उस पर जाइए। उस पर जाने के बाद आपको स्टोरेज पर क्लिक करना है। स्टोरेज पे जाने के बाद आपको इसका कैसे फाइल और इसका जो डेटा है उसे क्लियर कर दीजिए। क्लियर करने के बाद आपको जो है गूगल ऐप को फाइंड करना है, उसमें भी आपको डेटा और कैसे फाइल को आपको डिलीट कर देना है। बैक आइए। बैक आने के बाद आपको करना क्या है कि आपको लॉग इन करने का ट्राई करना है। लॉग इन करने के बाद भी अगर आपको ये पॉप शो हो रहा है तो आपको ओके का एक ऑप्शन मिल रहा होगा, ओके पर क्लिक कीजिए। ओके पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे फॉरगेट पासवर्ड का एक ऑप्शन मिलेगा, तो उस पर क्लिक कर दीजिए। फॉरगेट पासवर्ड पर जैसे आप जाएंगे तो आपसे या आपका फ़ोन नंबर पूछेगा या फिर ईमेल एड्रेस पूछेगा। जिस भी ईमेल एड्रेस से या फिर फ़ोन नंबर से आपने अपना अकाउंट क्रिएट किया है तो उसे सेलेक्ट कर दीजिए और उसके बाद आपको फाइंड योर अकाउंट पर क्लिक करना है। तो उसके बाद आपके फेसबुक के जितने भी अकाउंट हैं वो आपको सब यहाँ पर शो हो जाते हैं। तो जिसमें आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रही है उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपका जो फेसबुक अकाउंट है उसे आप डायरेक्टली आप फेसबुक में लॉगिन हो जाएंगे और उसके बाद आप जब अपने फेसबुक को यूज कर सकते हैं। तो अगर आपकी जो प्रॉब्लम है अगर सॉल्व होती है तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। इस पर दो जो है पार्ट में पहले बना चुका हूं। आप करते क्या है कि वीडियो को आप पूरा देखते नहीं हैं और सीधा मेरे को कमेंट में बोलते हैं भाई मेरी हेल्प कर दो, मेरी जो है प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो। भाई यही बताने वाला हूं मैं आपको कि अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको किसी को भी डीएम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जो बेल आइकन से प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए। तो मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, और अगर आप मेरे साथ सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आपको लिंक और यूजर नेम भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।